करते हैं आप लोग? ओके, थोड़ा सा मैं दोबारा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। काइंडली अपने रियल नेम को यूज़ करें। यहाँ पे दो तीन कॉन्टेक्ट्स हैं जिनके अपने रियल नेम्स नहीं मेंशन, तो वो अपने नेम्स को मेंशन करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन मुझसे पूछें, क्योंकि इससे एक ये फ़ायदा होगा कि अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपकी तवज्जो जो है स्क्रीन की तरफ ही होगी, लेक्चर की तरफ ही होगी, आपका ध्यान चैट की तरफ नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अगले बंदे को भी पता चल जाएगा, अगर उसके माइंड में यही क्वेश्चन है तो वो नहीं पूछेगा और उसका क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा, और ना ही उसको जो है बार बार चैट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सो आप जो है रेज हैंड कर लिया करो, मैं आपको जो है अनम्यूट कर दिया करूँगा, फिर जो है आप क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया करें। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है अपने बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसीलिए जो है मैं इसमें पेस ज़रा स्लो रखूँगा, क्योंकि ये सारी की सारी बेसिक्स हैं। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे जाके आपके लिए आसानी होगी खुद रीड करने में भी, और आगे जाके जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसको फॉलो अप करने में भी आपको आसानी होगी। कल मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, जनरल सा ओवरव्यू था कि हम जो है इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स की जो है बिगिनिंग कहाँ से हुई थी, तो उसके बारे में बात की थी, मैंने आपको जनरल आइडिया दिया था। आज थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करते हैं कि बुक के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो इन्होंने कहा हुआ है कि इकोनॉमिक्स आपके पास बेसिकली क्या है, वो तमाम के तमाम जो है गुड्स और सर्विसेज हैं जो आपके इकोनॉमी या मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब गुड्स और सर्विसेज में जो है अगर हम देख लें तो आपके जो है प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जो आप यूज़ करते हो, आपकी कंट्री मैन्युफैक्चर करती है। सर्विसेज में आपके जो है सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है, आपके बैंक हो गए, आपके जितने भी जो है इदारे हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो आपको जो फैसिलिटीज दे रहा है उसको हम सर्विसेज में कंसीडर करते हैं। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की, इन्होंने कहा कि माइंड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम देखते हैं ये जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या जो है डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, क्या ये भी इसी में आता है? तो हाँ, ये भी इसी में ही आता है। इसलिए आता है क्योंकि आपके जो है एक सिस्टम को चलाने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, फैसिलिटेशन दे रहा है आपको, तो अब उसको बनाने में भी तो आपका खर्चा आ रहा है, आपकी जगह यूज़ हो रही है। तो कल जो हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि रिसोर्सेज की बात की थी कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो अब आप अगर उस पर जो है जेल बना लेते हो तो आपने जगह को इस्तेमाल कर लिया, अब वहाँ से आप जो है क्या कर रहे हो कि लोगों को बंद कर दिया, ठीक है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्राइम्स को कम कर रहे हो, तो इस तरीके से ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इकोनॉमिक्स मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट हुआ था एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट से, स्कॉटिश फिलोसोफर था, उसने अपनी बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखा था। जब इसने ये बुक लिखी थी तो वहाँ उस वक्त के जितने भी आपके पास जो मजहबी स्कॉलर्स थे वो इसके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि इसने जो है प्योरली वेल्थ के बारे में बात की थी, और उन्होंने इसका ख्याल था कि इस बंदे ने जो एडम स्मिथ है इसने क्या कर दिया, लोगों को सिर्फ ये बताया कि आप पैसे कमाना सीखो और लोगों को जो है इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि पैसे ही आपके लिए एंड है, अगर आपके पास वेल्थ होगा तो आपके पास सब कुछ है। तो काफ़ी इस पे जो है क्रिटिसिजम्स अराइज हुई, लेकिन क्या हुआ कि इसने बेस तो रख दी आपके एक कॉन्सेप्ट की, क्योंकि अगर हम देखें तो पास्ट हिस्ट्री में जितने भी आपने मूवीज देखी होंगी वहाँ पे क्या होता था कि उनको मारा जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था और उनसे जो है काम लिया जाता था, जैसे आपके पास जो है पैरामिड्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उन मूवीज में क्या है कि उनको मारा जाता है, बस उनसे काम लिया जाता है, और उस काम का एंड यूज क्या होता है, एक खास बंदा जो है जो पावरफुल है वो अपने वेल्थ को इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए जो है एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट भी उसी के साथ है कि जहाँ पे दूसरी लाइन में देखें तो क्या लिखा है, इन हिज बुक ही समड अप इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, कि आपके पास जो है इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस है किस चीज की, वेल्थ की, कि आपने वेल्थ को कैसे हासिल करना है और उसको जो है कंज्यूम कैसे करना है, आपको वो चीज़ बताता है। तो लोगों को थोड़ा सा जो है उसने क्या कर दिया, मटेरियलिस्टिक कर दिया, अपने पर्पस के लिए सोचना शुरू कर दिया कि बस मैं जैसे जो हो दौलत हासिल करूं, दौलत ही जो है मेरे लिए सब कुछ है। इसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया था हमारे पास जो है जब सेकेंड कॉन्सेप्ट आया मटेरियल वेलफेयर का, तो इसको क्रिटिसाइज करने वाला बंदा हमारे पास जो था वो एल्फर्ड मार्शल था।
उसने कहा कि इसने जो है इसके स्कोप को बहुत ही महदूद कर दिया। ऐसा नहीं है, हम जो है सिर्फ वेल्थ की बात नहीं कर सकते और हम जो है सिर्फ बार बार पैसों और उसका जिक्र नहीं कर सकते। हमें जो है थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना होगा। किस चीज़ का ब्रॉडली सोचना होगा? हमें जो है सोचना होगा इंसान के बारे में कि इंसान और सोसाइटी भी तो आपके गिर्द है, हमें उनको भी देखना होगा, हमने उसके बेनिफिट के लिए भी कोई ना कोई बात करनी होगी। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने जो है थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया और उन्होंने जो है बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, और उन्होंने डिफाइन किया उसको सेकेंड पैराग्राफ में देखें तो द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोशल एक्शंस व्हिच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेलबीइंग। कि अब आपने क्या करना है कि ठीक है वो बात तो उसकी सही है कि वेल्थ से ही रिलेटेड है कि वेल्थ को हासिल करना है, उसको जो है यूज करना है, लेकिन हमें जरा थोड़ा सा ब्रॉडली भी सोचना होगा। हमें जो है अपने आसपास देखना होगा कि उससे लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो उस चीज को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स डील्स विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ दैट रिलेट टू द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। इन अदर टर्म्स इट निगेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट ऑफ वेल्थ एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड शिफ्ट्स द एम्फेसाइज फ्रॉम वेल्थ टू मैन। कि अब इसने कहा कि सब कुछ आपके लिए दौलत नहीं है, दौलत से पहले इंसान आता है। इंसान होगा तो आपके पास दौलत ही होगी, सब कुछ होगा और उसका यूज भी आएगा। जब आप इंसानों को खत्म कर देंगे तो आप उस दौलत को क्या करेंगे? जब आपके लिए कोई चीजें प्रोड्यूस करने वाला ही नहीं होगा। ह्यूमन तो जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके प्रोडक्शन में। तो इसलिए कहा मार्शल ने कि फॉर मार्शल वेल्थ इज सिंपली अ मींस टू एन एंड एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। देयरफॉर ही गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू मैन एंड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टू वेल्थ। कि आपके पास जो वेल्थ है वो जो है आपके पास एंड नहीं है, लेकिन वो क्या है? खुद में खत्म होने वाली चीज है। ठीक है, वो आपके पास आखिरी सिरा नहीं है कि आपने कहा कि दौलत मिल गई, मैं कामयाब हो गया या मुकम्मल हो गया, बल्कि क्या है आपके पास जो है मजीद ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। और इसी पॉइंट को इसने जो है क्या किया, जब रॉबिन्स आया तो इसने क्रिटिसाइज किया और इसी पॉइंट को उठाया। उसने कहा कि ठीक है मार्शल ने जो मटेरियल का वर्ड यूज किया हुआ है इसको मैं रखता हूँ, लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड थोड़ा सा इसको मुख्तसर कर रहा है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप में रख रहा है। मैं जरा इसको ब्रॉड करता हूँ। कैसे ब्रॉड करता हूँ कि ह्यूमन की जो देखें तो हम वांट्स बहुत ज्यादा है। एक बंदा है, अगर हम देख लेते हैं लेट्स से हम बात करते हैं बिल गेट्स। अब बिल गेट्स के पास जो है दौलत है, अब दुनिया के सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है। ठीक है, जो वर्ल्ड 5 फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, जो सबसे मालदार लोग हैं, क्या उन्होंने बिजनेस करना छोड़ दिए? क्या उन्होंने पैसे कमाना छोड़ दिए? नहीं, वो स्टिल बिजनेसेस कर रहे हैं ना, मजीद से मजीद पैसे बढ़ा रहे। तो उसने कहा कि इंसान की जो नेचर है वो रुकने वाली नहीं है, वो जो है ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। एक फुलफिल होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी फुलफिल होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। तो हमें जो है क्या करना होगा, इस चीज को थोड़ा सा ओपन करना होगा। और इसीलिए उसने कहा कि ही मेंटेन दैट द वर्ड मटेरियल यूज्ड बाय मार्शल हैड नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इग्नोर्ड द इमटेरियल एस्पेक्ट दैट वर इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलफेयर। कि अब इसने जो है एक चीज के बारे में बात तो करी, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट उसने छोड़ दिया कि सिर्फ दौलत नहीं है, इंसान के पास रिलेशनशिप्स हैं, बाकी जो है उसके आसपास जितने भी एनवायरनमेंट है वो भी तो उसको चाहिए होता है, जहाँ पे वो रह सके, जहाँ पे वो खुश हो सके। सेकेंडली देयर वर मेनी एक्टिविटीज दैट डिड नॉट प्रमोट वेलफेयर येट वर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। टू हिम द डेफिनेशन वॉज इम्प्रैक्टिकल वेग एंड जजमेंटल। और उसने कहा कि ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खुशी को नहीं बढ़ाती, आपको जो है वेलफेयर लोगों का नहीं करते। लेट्स से आपने क्या कर दिया, जेल बना लिया, तो अब जेल क्या वेलफेयर दे रहा है? क्या है, आप एक पर्सपेक्टिव से देखें तो वो जो है दूसरे बंदे को तो सजा दे रहा है। अब उसकी जरूरत थी, उसने चोरी कर दी, चोरी करने के बाद जो है उसको जो है हाथ काट दिया या उसको प्रिजन में बंद कर दिया, तो आपने उसकी फैमिली को तो इग्नोर कर दिया। या फिर क्या हो रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि लेट्स से हम बात कर लेते हैं कोकेन वगैरह जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जब आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे हो तो इससे किसको फायदा हो रहा है? किसी को नहीं, लोगों की जानों को नुकसान पहुंच रहा है उल्टा। लेकिन एक एरिया को जो है फायदा हो रहा है तो वो मेडिसिन को हो रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि टू हिम द डेफिनेशन वाज इम्प्रैक्टिकल वेग एंड जजमेंटल। और फिर इसने क्या किया, कहता है कि ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड्स एंड स्कैर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कि उसने कहा कि ये जो आपके पास जो एंड यूजेस हैं, क्योंकि जो गिवन एंड्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, ये आपकी क्या है,
कि इनका ताल्लुक जो है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है, स्केर्स कहते हैं लिमिटेड को, और हम इन्हीं लिमिटेड को क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, हम कोई ना कोई और तरीकेकार लेकर आते हैं उसको फुलफिल करने के। इसको समझाने के लिए मैं आपको जो है एक आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ, ये डेफिनेशन आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। आप क्या करते हैं, आप लड़से एक लड़का है, उसको जो है फुटबॉल खेलनी है। अब उसको फुटबॉल का टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के लिए उसको किट चाहिए और शूज चाहिए। अब वो बंदा जो है उसके अबू से बात करता है, उसको कहता है कि मुझे जो है पैसे चाहिए। अबू उसको 10 रुपए दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है जाओ अपने लिए जो है दोनों खरीद लो। अब वो सोच मार्केट में जाता है तो उसको जो है जो शूज हैं वो महंगे मिल रहे हैं, ठीक है लेट से शूज जो है उसको 7 रुपए के ओरिजिनल मिल रहे हैं और 5 रुपए के जो है उसको जो किट है वो मिल रही है। अब उसको जमा करें तो ये तो 12 रुपए बन रहे हैं, इसके पास तो 10 रुपए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अब ये क्या करेगा, अल्टरनेटिव देखेगा। कैसे अल्टरनेटिव देखेगा, ये देखेगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में क्या है। वो कहता है कि मैं अगर इस पे जो है शर्ट ले लेता हूँ, अच्छी क्वालिटी की किट ले लेता हूँ, तो वो जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो नजर आने वाली चीज है और लोग उसको देख रहे हैं, तो मुझे जो है किट लेनी चाहिए, तो 5 रुपए मैं इस पे लगा देता हूँ। बात आ जाती है जब शूज की, तो शूज के लिए जो है मैं क्या कर लेता हूँ, लंडन साइड पे चले जाता हूँ, ठीक हो गया, जहाँ जो है कोई और सस्ती जगह पे जो है सेकंड हैंड शूज मिल रहे हैं, मैं उनका रेट पूछ लेता हूँ। सेकंड हैंड रेट जब पूछता है तो उसको जो है 3 रुपए में वही शूज मिल रहे हैं, तो अब इसके पास बेटर ऑप्शन आ गया ना, कि बजाय इसके कि वो जो है वो दोनों चीजों को छोड़ दे, इसने क्या कर दिया कि 5 रुपए की किट ले ली जो उसकी नीड को पूरी कर रहे हैं, 3 रुपए के उसने शूज ले लिए। अब देखें तो उसके पास उल्टा जो है 1 रुपए भी बच गए, ठीक है, या 2 रुपए उसके पास बच गए। तो अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से सोचना होगा। साइंस जो है आपको, जो हमने इसकी इकोनॉमिक्स की बात की, इकोनॉमिक्स आपको यही कहता है कि आपके पास जो महदूद वसाइल हैं आपने इसको क्या करना होगा, ऐसे यूटिलाइज करना होगा कि जहां पे आपकी सारी की सारी नीड्स फुलफिल हो सके। आप अपने पेरेंट्स को देख लें, वो क्या करते हैं, कितनी सैलरी कमा रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 40,000-50,000, कभी आप हिसाब लगाएं तो आपके घर के जो है खर्चे उससे ज्यादा होंगे। कैसे चल रहा है मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि इन रिसोर्सेज को वो कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये नीड्स कैसे पूरी होंगी। तो ये डेफिनेशन जो है आजकल हमारे पास चल रही है रॉबिन्स के, और वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे लिए कहलाई गई, और इसके ने जो बुक लिखी उसने यही लिखा था कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, कि इकोनॉमिक्स के साइंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसकी नेचर जो है उसके बारे में लिखा था। तो इसी तरह इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दी हुई आपको, कहता है फॉर इंस्टेंस लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर और हाउसिंग, द लिमिटेशन और टू बी प्रिसाइज scarcity of resource is to root of all economic issues faced today. आपके पास जमीन है, आपने घर बना लिया, तो खेती बाड़ी कैसे करोगे? अगर आपने खेती बाड़ी कर ली तो आप उसको जो है घर में क्या क्या करोगे, तो आप उसको नहीं यूज कर सकते। तो पोर्शन ऑफ लैंड को आप घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पोर्शन ऑफ लैंड को आप जो है खेती बाड़ी में इस्तेमाल करोगे, दोनों काम हो गए आपके। तो हमें क्या करना है कि जो इकोनॉमिक्स हमें बता रही है वो हमें यही बता रही है। इसलिए कहते हैं कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेन अनलिमिटेड वांस, कि अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको एलोकेट करो, फाइंड आउट करो, और फिर क्या करो कि उससे अनलिमिटेड वांट्स को हासिल करने की कोशिश करो। क्लियर है यहां तक? इसके बाद स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक्स का, हम क्यों पढ़ते हैं, कौन कौन से एरियाज इसमें कवर हो जाते हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस किसी तरह ने किया हुआ है कि कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। कौन से क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहली बात प्रोडक्शन किस चीज की करनी होगी। अब कौन सी ऐसी चीज जरूरी है और कौन सी जरूरी नहीं है, तो अगर हम देखें तो जरूरी तो सब कुछ है। अगर हम कहते हैं कि जी आटे की प्रोडक्शन, गंदम की प्रोडक्शन कर लो, चावल छोड़ दो, तो आपके पास कुछ ऐसे रिलीजन वाले लोग भी हैं जो क्या करते हैं कि वो चावल ही खाते हैं। कुछ जो है कह देते हैं कि जी वो जो वेजिटेरियन है वो जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, वो कुछ और नहीं खाते, तो अब उनके साथ क्या करोगे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लिए, आपको सोचना पड़ेगा, पहला पहला क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। सो कहते हैं कि दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू एस्पेक्ट, द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। फॉर इंस्टेंस शुड वी कल्टिवेट कॉफी और टी, इन व्हाट क्वांटिटीज कॉफी और टी शुड बी प्रोड्यूस्ड। कि पहला सवाल आपके जहन में आएगा कि चाय या कॉफी को प्रोड्यूस किया जाए, अगर हम इनको प्रोड्यूस करते हैं तो फिर कौन सी चीज कितनी मिकदार में प्रोड्यूस करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कौन सी चीज ज्यादा करनी होगी, कौन सी कम करनी होगी।
कहता है कि द स्केर्स रिसोर्स कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स लेबर मटेरियल हैव टू बी एलोकेटेड अमंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड द एलोकेशन हैज टू बी डिटरमाइंड फर्दर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज सच दैट कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड कैपिटल गुड्स कहता है कि जो हमारे पास ये जो हमारे प्रोडक्शन के जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे कैपिटल है ह्यूमन रिसोर्स है या लेबर है इनका हमें जो है क्या करना होगा इस्तेमाल करना होगा लेट से आपने क्या कर दिया कि दुकान है आपके पास आप दुकान में आप क्या कर रहे हो कि बाहर आपने रेडी लगा दी छोले बेचने की अंदर आप क्या कर रहे हो स्टोर बना दिया तो अब वो बंदा स्टोर संभालेगा या आपकी रेडी को संभालेगा लिमिटेड रिसोर्स हो गया अब अगर आप दूसरे बंदे को हायर कर लेते हो तो आपने उसको ज्यादा पे करना होगा तो जो इनकम आ रही थी उसमें से कुछ पोर्शन तो वहां चला गया तो आपने इस चीज का सोचना होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस सेकेंड क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अब हम इसको प्रोड्यूस कैसे करना होगा सिर्फ बात यही तो नहीं है कि हमने कह दिया कि लेट से हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनानी इलेक्ट्रॉनिक कार्स तो ठीक है बना रहे हो लोगों की नीड है 50,000 बनानी है हमें ये भी हमने डिसाइड कर दिया प्रोड्यूस कैसे करोगे क्या आपको वो तरीके कार आते हैं क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है क्या आपके पास वो लोग मौजूद हैं जो इसको बना सकें कम है लोग कैसे बनाएंगे ठीक है एजुकेटेड लोग कौन है आपके पास ऐसे जो इंजीनियर्स हों जो इन चीज़ों की टेक्नोलॉजी को समझें फिर भी स्केर्सिटी आ जाती है ठीक है सो कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस डिसाइडिंग अबाउट हु विल कल्टीवेट द कॉफी बीज वुड इट बी अ मैनुअल फार्मिंग और मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर शुड ट्रेडिशनल मेथड बी यूज्ड और शुड इट बी कल्टीवेटेड इन नर्सरी कि अब सोचें कि कैसे प्रोड्यूस होगा क्या जो है हमें कॉफी बीन्स बनाने के लिए कोई बंदा जो है मिल रहा है अगर आप जो है तरीके का बंदे मिल गए आपको तो क्या वो आपके लिए मैनुअली प्रोड्यूस करेंगे या वो मशीनी तरीके का इस्तेमाल करेंगे और क्या आप जो है उसको ज़मीनों में बाहर ही काश्त करोगे या फिर उसके लिए कोई ख़ास जगह मुख्तस करोगे नर्सरीज बनाओगे और वहाँ पे प्रोडक्शन करोगे ये सबसे बड़े क्वेश्चन आ जाता है कहता है कि थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बना रहे हो आखिर में तो कोई ना कोई बंदा तो होगा जो इसको इस्तेमाल करेगा तो अब वहाँ के रहन सहन को आपने देखना होगा आपने क्या कर दिया लेट से पाकिस्तान में जो है कॉफ़ी बनाना शुरू कर दिया आपने उसके प्रोडक्शन कर दी जब आपने सारी की सारी चीज़ें मार्केट में लेकर आ गया प्रोडक्शन हो गई कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी लोग तो चाय पसंद करते हैं तो अब क्या होगा अब आपको जो है फिर सोचना पड़ेगा कि जी अब तो हम इसको जो है किसी और मुल्क में भिजवाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो इसके यूज़ वाले कोई नहीं है तो अब उसके बदले में क्या करोगे बाहर से चीज़ मंगवाओगे तो अल्टरनेटिव देखना होगा सो इसलिए इन्होंने एग्जाम्पल दी कहता है कि फॉर इंस्टेंस इज कॉफी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल लिविंग इन द कंट्री और इज टू बी एक्सपोर्टेड आउटसाइड वेयर इट इज टेकन एज प्रेफर्ड कमोडिटी इज द फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड इवनली अमंगस्ट डिफरेंट सोसाइटीज एंड हाउ एंड हु गेट्स हाउ मच कि अब आपने अपने मुल्क के लिए बनाया या दूसरों के लिए बनाया अगर आपने दूसरों के लिए बनाया तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन सही किया जैसे हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसी चीज़ का है कि आपके मुल्क में जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर जब अपनी नीड आ जाती है अपने मुल्क की तो यहाँ पे फिर मसला क्या जाता है कि जी हमारे मुल्क में जो है किल्लत हो गई है बहरान हो गया इन चीज़ों का हमें जो है बाहर से मंगवानी पड़ी तो हमें क्या करना चाहिए कि एज एन इकोनॉमिस्ट पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें अपने मुल्क की नीड को कैसे फुलफ़िल करें जब हमारे मुल्क की नीड फुलफ़िल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा जो हमारी प्रोडक्शन हुई होगी वो हम फॉरवर्ड करेंगे आगे जगह पर कि वो जो है दूसरे मुल्कों को भेजो और उसके बदले में हम क्या करेंगे अपने लिए अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि हम उससे जो है बदले में उससे अच्छी चीज़ कैसे ले सकते हैं तो हमें इस तरीके से इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है फिर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स जो है साइंस है या आर्ट है अब अगर हम देखें तो साइंस जो हम बेसिक बच्चों जो पढ़ते हैं हम मैट्रिक और उसमें तो वहाँ पर हमारे नज़दीक साइंस क्या होती है हम कहते हैं कि साइंस वो है जो एक्सपेरिमेंट्स करके हम जो है प्रूफ कर लेते हैं जो जो है हम तजर्बा करते हैं कैसे तजर्बा करते हैं जी H2O है हमने क्या कर दिया H2O को इस मिकदार से मिला लिया तो पानी बन गया ठीक है एक बंदे ने बना लिया दूसरा बंदा क्या करता है कि वो जो है H2O को मिलाता है उसके लिए भी पानी बन जाता है ठीक है तो अब तीसरा बंदा जो कोशिश कर रहा है तो वो पानी नहीं बन रहा वो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये तो इनका तरीका गलत है क्योंकि मैं जो है बना रहा हूँ तो ये तो वैसे नहीं बन रहा जैसे बनना चाहिए था तो अगला बंदा जो पहले दो बंदे हैं वो उससे पूछेंगे कि क्या आपने वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जो हमने क्रिएट किया था पानी बनाने के लिए
वो कहता है कि नहीं, मैंने तो जो है घर में किचन में ठहरा हुआ था, H2O को मिलाया और वो तो नहीं बना। तो वो उसको कहेगा नहीं, ऐसे नहीं है, इसके लिए आपको जो है एक लेबोरेटरी चाहिए होगी, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट चाहिए होगा, और उसके कुछ एजम्पशंस होंगी, अगर वो मीट होंगी, क्राइटेरिया मीट होगा तभी जाके H2O मिलके पानी बनाएगा। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो वो पानी कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हमने जो है क्या किया, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स भी जब बात करता है तो वो भी एजम्पशंस की बेसिस पे करता है, वो अपने तरीके से कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर वो कहता है कि अगर एक बंदा जो है क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी के गिलास जो है 5 पी सकता है, तो अगर एक बंदे को ज्यादा गर्मी लगी हुई है वो 6 गिलास पी लेता है, तो फिर तो वो इकोनॉमिक्स से बात निकल गई, फिर तो आप डायरेक्टली कहोगे ये तो गलत है। एक बंदा क्या करता है, एक गिलास पानी पी लेता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। वो जो है सिचुएशन हमने देखी तो वो तो सर्दियां थी, गर्मी तो थी नहीं, तो अब क्या हो गया कि सिचुएशन चेंज हो गई। तो आपने क्या करना है कि जब हम इसको साइंस के दायरे में देखते हैं, तो साइंस के दायरे में हम इसलिए इस पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं कि हम जो है इसके लिए एक जो अपना हमारे पास एक एनवायरनमेंट होगा, क्लोज एनवायरनमेंट होगा, उसी के बेसिस पे जब हम इन इकोनॉमिक थ्योरीज पर उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके वो वही चीज आपको रिजल्ट देगा जो फिलोसफर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये तो हो गया साइंस की बात, होप आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हम आर्ट्स की तरफ। आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स को अगर हम देखें तो एक लेमैन डेफिनेशन के मुताबिक आर्ट स्किल को कहते हैं। कौन सी स्किल, कि आपके पास एक काम को करने का तरीका आता है या नहीं आता। अब काम करने का तरीका जो है कैसे आपको आना चाहिए, वो खास लोगों को ही आता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आप जो है क्या करते हो कि मोबाइल फोन आपका खराब हो जाता है, आप उसको रिपेयर करने के लिए खुद खोल देते हो, आपसे भूल जाते हैं कि अच्छा मैंने कैसे खोला था इसको, लेकिन वही चीज दुकानदार के पास लेकर जाते हैं जो स्पेशलिस्ट होता है, वो उसको कर लेता है। वो कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसकी आर्ट है, उसका तरीकाकार है, उसके पास उसकी स्किल है। तो अब इकोनॉमिक्स की जो ये सारी के सारी बातें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए कुछ खास लोग होंगे जो इसको प्रिडिक्ट करेंगे, जो ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करके उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे जो ये इकोनॉमिक्स है, ये साइंस भी है और आर्ट भी है। इसीलिए अगर हम देखें तो लास्ट लाइन में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर इज अ टफ आस्क, सो समिंग इट अप टुगेदर वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, साइंस इन इट्स मेथोडोलॉजी एंड आर्ट्स इन इट्स एप्लीकेशन। के ह्यूमन के साथ हमने इसको, मैन के साथ हमने रिलेट कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि इकोनॉमिक्स मैन के साथ है, मैन ही है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके बेसिस पे सारी इकोनॉमी चल रही है आपकी, जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसके लिमिटेड जो है रिसोर्सेज हैं जिनके पास और अनलिमिटेड वांट्स हैं उसकी। तो इसी चीज को देखते हुए इसने कहा कि ये जो है ह्यूमन बिहेवियर को समझना भी एक आर्ट चाहिए होता है, कि आप कैसे उसको जो है उस पर इम्प्लीमेंट कराते हो और लोगों से वैसे ही कराते हो, रिजल्ट्स लेते हो, वो आर्ट आपके पास होना चाहिए। और इस आर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई तरीकाकार होगा, और उस तरीकाकार को हम कहते हैं साइंस। जैसे मैंने आपको कहा कि H2O की बात की, तो H2O किसी ने तो आपको तरीका बताया ना, किसी ने तो आपको कहा कि ये एनवायरमेंट क्रिएट करो तो H2O बनेगा। तो ये जो तरीकाकार, ये सब कुछ बताया, ये मेथडोलॉजी है। और फिर जब आप इसको क्या कर रहे हो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको उसी तरीके से कर पाए हो, तो अब आपके पास आर्ट था, आपने उसको कर लिया। हर बंदा जो है H2O से पानी नहीं बना सकता, तो इसीलिए जो है हम इसको आर्ट और साइंस बोथ कंसिडर करते हैं। लास्ट में आ जाता है आपके पास एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, कि आपके पास जो साइंस है इसकी, ये जो है नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। असल में मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि ये फिलॉसफी से रिलेटेड इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक साइंस की तरह बिहेव इसलिए करता है क्योंकि आपके पास ये जो एनवायरनमेंट है, ये इसके लिए क्लोज्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है। ओपन एनवायरनमेंट में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो कि, अगर हम कह देते हैं कि लेट से चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें तो आपने तो ये बात कर दी, इकोनॉमिक्स ने तो ये बात कर दी कि जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी प्राइसेस हाई होंगी, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं होती। अब जैसे कि आपके पास क्या है, नमक है, नमक की डिमांड बढ़ जाती है तो नमक की प्राइसेस कभी भी आप नहीं देखोगे कि उसकी बढ़ी है,
क्योंकि वो तो आपके पास बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, आपके पास क्या हो जाता है कि मोबाइल फोन है, तो अब मोबाइल फोन की आपके पास जो है लेट से डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, वो मॉडल अब्सोल्यूट भी तो हो जाता है। जब वो अब्सोल्यूट हो गया तो उसकी तो प्राइसेस फिर वापस गिरना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये एक लिमिट है, जहां तक तो आपकी ये थ्योरीज इंप्लीमेंटेबल होती है, उसके बाद इंप्लीमेंटेबल नहीं होती, तो इसलिए हम इसको जो है साइंस की तरफ कंसिडर करते हैं। अब हमने बात की नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस की, तो मैंने आपको कहा कि ये फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स हैं। पॉजिटिव तो सिंपल कहता है कि जी बस बी पॉजिटिव, जैसे हम कहते हैं कि यार पॉजिटिव सोचा करो, ठीक है कि बस जो जैसा हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है, बस सिंपल, इसने बुरा किया ठीक है खैर बस जाने का। तो ये जो है कहता है कि क्या आपके पास जो साइंस है ये इकोनॉमिक्स की साइंस, क्या ये आपके पास जो है व्हाट इज वाली है, या क्या ये आपके पास नॉर्मेटिव है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसको ऐसा होना चाहिए था, अगर ये ऐसा होता तो कैसे होता, इसको नॉर्मेटिव कहते हैं। कि अगर हम देख लेते हैं कि नमक की जो है हम डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसकी शॉर्टेज कर देते हैं। तो अब इकोनॉमिक्स ने तो यही बातें की है कि अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी, अगर हम इस किस्म का इन्वायरमेंट बनाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होगा तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सीधी सीधी बातें नहीं करता, इसीलिए इन्होंने जो है थर्ड लाइन में देखे तो एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट एन एंटरप्रेन्योर टेक्स प्रॉफिट एज अ सेंट्रल क्राइटेरिया व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन, इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एंड व्हेन वी से ऑट दे यूज दिस क्राइटेरिया देन वी एंटर द डोमेन ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कि अगर एक बंदा कहता है कि एक बंदे ने जो है दुकान या कारोबार बिजनेस स्टार्ट किया, किस लिए स्टार्ट किया, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, बात खत्म हो गई, ठीक है ये तो पॉजिटिव होगी कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया प्रॉफिट कमाने की। लेकिन अगर आप इसको इस दायरे से देखते हो कि कैसे कैसे आप इसको जो है बनाओगे, बिजनेस को एस्टेब्लिश करोगे कि वो आपको प्रॉफिट देगा, तो अब आपके पास जो है ये नॉर्मेटिव बन जाता है। तो इन्होंने फर्स्ट लाइंस इनकी देखें दोनों की, तो कहते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद फैक्चुअल क्वेश्चंस सच एज अंडरस्टैंडिंग व्हाई इंजीनियर्स आर पेड मोर देन क्लीनर्स एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्टिविटी। ये पॉजिटिव अगर हम देखें तो कुछ फैक्ट्स हैं आपके पास कि इंजीनियर को ज्यादा क्यों पे किया जाता है, क्लीनर को क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। अब बात तो सही है, such questions may appear to be difficult questions but yet they can be answered easily through factual analysis. ke baat to sahi hai ki ek banda jo hai safai kar raha hai to wo to zyada mehnat kar raha hai, mazdoor sara din kaam karta hai, 1000 rupaye kama raha hai, bank mein banda baitha hua hai wo jo hai 20-25000 le raha hai, isi ke environment mein baith ke 20-25 le raha hai, aisa kyun hai? to kehta hai ki in cheezon ko analyze karna bahut aasan hai, kyun? kyunki samne nazar aa raha hai aapko ki wo banda kya hai, uske paas skills hain, usne education zyada hasil kiya hai, एजुकेशन ज्यादा हासिल करने के बेसिस पे क्या हो रहा है, उसको ज्यादा पे किया जा रहा है। अब दूसरा बंदा जो है उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास सिर्फ स्किल है, वो क्या कर रहा है, अपने एफर्ट्स को यूज कर रहा है और एफर्ट्स के बेसिस पे कमा रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्या कह दिया कि ये बंदा जो है इसको कम पे किया जा रहा है, क्योंकि पास इसके पास जो है नॉलेज नहीं है इस चीज का। तो इन चीजों को प्रूव करना जरा आसान हो जाता है। जबकि नॉर्मेटिव क्या कहता है कि वेयर इज नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद वैल्यू जजमेंट, इट इन्वॉल्व्स एथिकल प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस। Should changes be made to a tax legislation that would benefit the wealthy more than the poor? Should employment be raised to ensure the price inflation does not become too rapid? The answer to such questions could found only by political debate and decisions, and not by economic analysis and all. तो अब अगर आप कहते हो कि जी हम अगर taxes बढ़ा देते हैं, ठीक है, और जो है गरीबों पे taxes ज़्यादा कर दिए, अमीरों पे आपने कम कर दिए, तो क्या क्या होगा? इसका असर क्या होगा? तो वही बात मैंने आपको क्या कहा कि नॉर्मेटिव में आपके पास क्वेश्चन आता है क्या और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, और इसका आंसर जो है आपके पास वो एक होगा, डायरेक्ट आंसर इसका आपके पास नहीं आएगा कि नहीं बस ये देखो गरीब है तो इसलिए उसको टैक्स हमने ज्यादा कर दिया। क्यों ज्यादा कर दिया? कोई उसके बैकग्राउंड होनी चाहिए, कोई डिबेट होनी चाहिए, कोई डिस्कशन होनी चाहिए जिसके पास आप जो है इस चीज को डिसाइड करते हो। रिपीट कर दे प्लीज। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ठीक है, अगेन थोड़ा सा मैं इसको लास्ट में जो है शॉर्ट करके बता देता हूँ कि पॉजिटिव बेसिकली क्या है कि सीधे सीधे जो हमें हकीकत फैक्ट्स नज़र आ रही हैं हम उस पर बात करते हैं और वो प्रूवेबल चीज़ें होती हैं। जैसे हमने कहा कि गरीब जो है जो सफाई करने वाला बंदा है उसको ज़्यादा क्यों पे किया जा रहा है, जो बैंक में इंजीनियर जो है जो बैंकर बैठा हुआ है उसको ज़्यादा क्यों पे किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे, सामने देखेंगे, तो एक के पास डिग्री है, इसके उसके पास जो है क्या है क्वालिफिकेशन उसने इतनी हासिल की हुई है, उसने जो है स्किल्स हैं उसके पास, माइंड को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए उसके बेसिस पे इसको ज़्यादा मिल रहा है। जो क्लीनर है वो क्या कर रहा है, रूटीन काम कर रहा है, सफाई कर रहा है,
और उसको ना जहन यूज करना पड़ रहा है, ना ही उसने एजुकेशन हासिल किया, ना कोई और उसके लिए जो है एफर्ट्स किए, तो इसलिए हमने उसको जो है नॉर्मेटिव जो है उसमें पॉजिटिव में लेकर आगे और उसको प्रूव कर दिया। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं नॉर्मेटिव की, तो वो जो है आंसर्स उसके निकालना बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, उसके आंसर एक जगह लाई नहीं करते, हर बंदे को जो है वेरी करता है, उसका सिचुएशन टू सिचुएशन आंसर चेंज होता है। जैसे हमने टैक्स की इन्होंने एग्जांपल दी, कहता है कि क्या अगर हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी तो क्या इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका आंसर देने के लिए डिबेट करनी होगी, आप ऐसे नहीं कर सकते कि जी आपके जो है प्राइम मिनिस्टर कह दे कि कल को सारी चीजें महंगी कर दो, देखते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि पूरी इकॉनमी आपकी बैठ जाएगी। वो कल को कहते हैं कि जी ठीक है कि जो डॉलर की कीमत है वो 40 रुपए कर दो, ठीक है, डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी रुपीज की जो है वैल्यू 40 रुपए कर दो, ऐसा नहीं है पॉसिबल। इसके ऊपर पहले डिबेट होगी, काम होगा, वर्कआउट होगा, फिर कहीं जाके आपने क्या करना होगा, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये हमारा टॉपिक था, इम्पोर्टेंस जो है क्यों कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह कल हम इसको देखेंगे। खालिद सदीक, अपना नाम उसका चेंज कर दें। किसी का क्वेश्चन है तो 3.5 मिनट्स हैं आपके पास, माइक ऑन करके मुझसे पूछ लो ताकि बाकी भी सुन सकें कि उनका भी कोई क्वेश्चन इस तरीके से माइंड में हो तो आंसर हो जाए। मैं माइंड नहीं करता अनम्यूट करने को। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, न्यू स्टूडेंट्स में, ओल्ड में, जो भी है, ये जिन्होंने लिखा हुआ ऑनलाइन क्लासेस का मजा नहीं है, ये अपना नाम मुझे बता दे वरना आपकी अटेंडेंस का भी मजा नहीं रहेगा। जैन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ओबैद या कोई और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। सर ये तो शुरुआत है ना सर, आगे आगे देख होता है क्या। अच्छा, इसलिए इतनी खामोशी है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस नहीं है सर। चले सही है। एनीवन एल्स, न्यूकमर्स, इन बेसिक्स को अगेन मैं कहूंगा कि घर में थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल के स्टडी कर लिया करें, ताकि ये बेसिक्स आपके जहन में एक दफा बैठ जाएं तो इकोनॉमिक्स आपको जो है फिंगर टिप्स पे होगी। फिर जब हम इन चीज़ों का जिक्र करेंगे तो आपको जो है आसानी से समझ आएगी कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और ये जो थ्योरीज आ रही हैं या जो हमारे लॉज आएंगे वो कैसे हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मेहनत आपके हाथ में है, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको कंप्लीट डिटेल से समझाना और मजीद इसको आसान करना, सो इसलिए ओपनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेपर बेस्ड कुछ बताएं, पेपर बेस्ड तो कल मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि पेपर में आपकी जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यूज होते हैं, और थ्योरी कितनी लिखनी होगी, थ्योरी डिपेंड करता है आप पे और टाइम मैनेजमेंट पे, आपने टाइम को मैनेज करना होगा, आपने कहानियां ज्यादा नहीं लिखनी होगी, जो क्वेश्चन पूछा जाए टू द पॉइंट बताओ। जैसे अब इन्होंने शॉर्ट करके आपको जो है पूरा जो है साइंस एज ए वेल्थ बता दिया, ठीक है, साइंस एज ए मटेरियल वेलफेयर बता दिया, तो अब आपको इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, आप उसमें से एक दो एग्जांपल लिख लो, दो तीन लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दो, बात हो जाएगी। कमाल, इकोनॉमिक्स आपके पास बोथ है, ठीक है, आपके पास आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे आर्ट है, इम्प्लीमेंट करना हर किसी के बस के काम नहीं है, और इसके जो थ्योरीज हैं जो हम इसमें लॉस पढ़ते हैं वो जो है एजम्पशंस की बेसिस पे बनाई जाती है, और जिन चीज़ों की एजम्पशंस होती हैं एक खास एनवायरमेंट उसके लिए क्रिएट किया जाता है उसको हम साइंस कहते हैं। सर इकोनॉमिक्स खुद पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव, दोनों में आता है सर? नॉर्मेटिव में ज्यादातर लाई करता है, पॉजिटिव भी है लेकिन कहीं पे नॉर्मेटिव में भी लाई करता है। ठीक है, लास्ट कुछ सेकंड्स बचे हैं। ओके, इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास में, रीड कर लें, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ ले। सर ये नॉर्मेटिव की समझ नहीं आई। नॉर्मेटिव बेसिकली क्वेश्चंस पूछना क्यों है ऐसा, वो डायरेक्टली आपको सॉल्वेबल चीज़ नहीं है, आपको नजर आने वाली चीज़ नहीं होगी,